स्तुति है प्रभु आपकी, आपकी महिमा है। शक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को देने वाले परमेश्वर, हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर, भलाई के मार्ग में हमें चलाने वाले परमेश्वर, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, से प्रार्थना करो आप क्षमा कर जीवन दीदी दया की याचना करो तेरी आराधना करो। अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाने वाले, अंधकार में ज्योति को प्रकट करने वाले परमेश्वर, पतित जीवन में ज्योति जला दी, कुछ ही से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दी, तुझे से लगी है आशा मेरी, आप मैं कल को दूर जा दे, आप मैं कल को दूर जा दे, कौन हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का से सांपना करो, आप क्षमा कर
जीवन दीदी दया किया चुना करो तेरी आजा दया करो तेरी आजा दया करो पाप क्षमा कर जीवन दीदी दया किया चुना करो तेरी आजा दया करो तेरी आजा दया करो पाप क्षमा कर जीवन दीदी दया किया चुना करो तेरी आजा दया करो। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की और जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबों का स्वागत है आज की आराधना में और प्रभु की आशीष आप प्राप्त करें और इस गीत के द्वारा यीशु मसीह की शांति आप प्रत्येक के जीवन में हो। और जैसा हम सब जानते हैं ये समय है हम एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे साथ पहली दफा जुड़े हैं तो मैं उन्हें भी बता दूँ ये सभा है जो हर संडे और ट्यूजडे शाम के 7 बजे से शुरू होती है और जितने इस आराधना में जुड़ रहे हैं जितने यीशु मसीह के नाम को ले रहे हैं वे आशीषित हो रहे हैं वे चंगे हो रहे हैं। ना सिर्फ प्रभु ने उन्हें शांति दिया है चंगाई दिया है पर कई एक हैं जो यीशु मसीह के परिचय को प्राप्त कर रहे हैं और जितने इस आराधना में रेगुलर हैं प्रभु ने उन्हें भरपूरी दिया है। कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे इस आराधना में और हमने कुछ गवाहियों का प्रिंट आउट्स निकाला है वही गवाहियां जो लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया दुखों से निकाला बहुत सारे रोगों से चंगा किया तकलीफों से उन्हें बाहर निकाला और लोगों के जीवन में अपनी शांति को दिया। और जब लोगों के जीवन में काम होता है और वे अपनी गवाहियों को यहाँ टाइप करते हैं हम उनका प्रिंट आउट्स निकालते हैं कुछ गवाहियों को आप तक पढ़कर सुनाई जाएगी। परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं जो आप तक प्रभु के किए गए कामों का वर्णन सुनाएंगे साथ ही यीशु मसीह के वचनों को आप तक पहुंचाएंगे बाइबल से आप तक परमेश्वर के वचनों को शेयर करेंगे और जितने हमारे साथ जुड़े हैं ध्यान धरकर हर गवाहियों को सुने वचनों को सुने उन वचनों के द्वारा मांगे प्रभु हमें इस वचन को जब हम सुनते हैं समझने के लिए हमारी सहायता कीजिए साथ ही हमें छुटकारा दीजिए हमें आशीषित कीजिए और वो परमेश्वर बहुत भले हैं वो आपकी सहायता करेंगे और अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी। तो अंत तक आप आराधना में बने रहें और जिन्होंने अभी तक इस आराधना को शेयर नहीं किया है आप चाहते हैं कि आपके परिवार आशीषित हों आप चाहते हैं आपके जान पहचान के लोग भी आशीषित हों तो इस आराधना को उन तक भी शेयर कर दें ताकि वे भी इस आराधना में जुड़े आशीषित हों और उसका प्रतिफल आप भी प्राप्त कर पाए। तो ये समय है हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे प्रार्थना के साथ हम आज के चंगाई प्रार्थना को चंगाई के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक आप हमारे साथ जो जुड़े हैं अपने स्थान में स्थिर हो जाएं आंखों को बंद कर लें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी इस कड़ी हम आपके नाम को महिमा देते हैं आपके पवित्र बलिदान को हम स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपके लहू को पुकारते हैं क्योंकि आपका लहू जीवित है आपके लहू में सामर्थ है आपके लहू में चंगाई है आपके लहू में जीवन है और जितने आप पर विश्वास करते हैं आपके बलिदान पर विश्वास करते हैं प्रभु वे नाश नहीं होते परंतु अनंत जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस घड़ी हम मांग रहे हैं हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं जहां जहां से जुड़े हैं प्रभु चाहे वे पुराने हों नए हों प्रभु यीशु मसीह हर एक को आप अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए हम प्रत्येक के गुनाहों को अपराधों को मिटा दीजिए और यीशु मांगते हैं अपने पवित्र लहू की सुरक्षा में लीजिए हर एक जुड़ने वालों को विश्वास के वरदान को दीजिए प्रभु यीशु अविश्वास की बातों को आप दूर कीजिए क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि हर एक भले जीवन को प्राप्त करे। यीशु इस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर मांगते हैं आज के वचन को
जो प्रभु आप अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना चाहते हैं अति वेग से उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके होंठों को छू लीजिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कीजिए प्रभु, कि एक एक वचन जो वो बांटते हैं प्रभु यीशु मसीह वो वचन लोगों के जीवन में निर्माण कार्य करने पाए, उस वचन के द्वारा लोग स्वतंत्र होने पाए, उस वचन के द्वारा प्रभु लोग चंगे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी मांगते जैसी आपकी इच्छा इस आराधना में जुड़ने वालों के जीवन में पूरी होने पाए। मेरे नासरी यीशु, हर डिस्टर्बेंस को आप दूर कीजिए, हर एक तरह की गड़बड़ी की बातों को, डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से दूर करते हैं। भटकाने वाली बातों को, बहकाने वाली बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं। प्रभु यीशु स्थिर मन दीजिए, लोगों को स्थिरता दीजिए, और ऐसी बातें जो उन्हें आपके आराधना में जुड़ने से रोकती हैं प्रभु आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। जहां जहां ये आराधना चलाई जा रही है वे घर और घराने के लोग उद्धार प्राप्त करें, वे घर और घराने के लोग यीशु नाम के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने पाए, स्वतंत्र होने पाए, और मांगते हैं प्रभु यीशु हर श्राप मिट जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं, पूरी आराधना को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंपते हैं, और जितने लोगों ने प्रभु अपनी गवाहियों को शेयर किया है प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने लोगों के सामने आपका धन्यवाद किया है, उन्होंने अपनी गवाहियों को टाइप किया है, इसका बड़ा प्रतिफल इनके जीवन में होने पाए प्रभु, उनकी आशीष उनके जीवन में हमेशा बनी रहने पाए। सारी महिमा फिर से प्रभु आपको देते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। आराधना में निरंतर बने रहें और विश्वास के साथ आप बैठे, वो परमेश्वर बहुत भले परमेश्वर है। जैसा आप उन पर विश्वास करेंगे उनसे प्रेम करेंगे। बाइबल बताती है जैसा तेरा विश्वास हो वैसे ही तेरे लिए हो, तो जैसा आप विश्वास करेंगे वैसे ही परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे, उससे बढ़कर वो आपके लिए काम करेंगे। तो आगे की आराधना को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। फिर से सबों को जय मसीह की। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इसको खोलिए। आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे। और यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में आप सभी आज के दिन प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने पाए। तो आइए हम लोग जल्दी से सभा में आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं सबसे पहले गवाहियां दी जाती हैं और उसके बाद फिर हम लोग वचन में आगे बढ़ते हैं। तो गवाहियां वही हैं जो आपने अपने हाथों से लिखकर इस सभा में डाला है कि जब हम इस सभा में जुड़े प्रभु ने हमारे बीच में काम किए। और जितने लोगों ने गवाहियां दिया हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। अपनी गवाहियां जरूर से लिख कर डाले, जो काम यहाँ से हुए हैं, जो काम आप यहाँ जुड़े, आपके लिए प्रार्थना हुई, या आप ऑनलाइन जुड़े और आपके लिए यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, आप जरूर से गवाही लिख कर डालें ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और लोग यही कह रहे हैं हम लोगों ने गवाहियां नहीं दी तो फिर से हम लोग वापस उन्हीं विपत्तियों में पड़ गए। तो इसलिए अपने ऊपर विपत्ति ना लाएं, गवाहियां जरूर से लिख कर डालें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और गवाहियां कब डालनी है, जब ये सभा समाप्त हो जाएगी फिर से सभा को खोलिए और रिकॉर्डेड सेशन में जहां आप जय मसीह की लिखते हैं वहां अच्छे ढंग से लिख कर डालें। कई लोग हमें अभी फोन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप प्रार्थना कर दीजिए। तो हम लोगों ने पूछा आपके लिए क्या काम हुआ और वो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये काम हुए। मैंने पूछा गवाहियां आपने दी, उन्होंने कहा अभी तक नहीं डाले हैं। तो मैंने उन्हें यही बताया पहले गवाही लिखकर डालिए तब आपके लिए प्रार्थना होगी। तो अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना हो गवाहियां आपने जरूर से डालें। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया इस सभा को आप जरूर से शेयर कीजिए ताकि आपके कोई परिचित, आपके कोई जान पहचान वाले और आपके जिनसे आप प्रेम करते हैं वो बच सके। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे। और ये है कमल सोए करके कोई भाई हैं और ये उड़ीसा से हैं। कमल सोए भाई अगर आप सभा में शामिल हैं कमल सोए, तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। किसी और आईडी से कमल सोए अगर आप देखते हैं, देख रहे हैं, तो आप
जय मसीह लिखिए और अपना नाम जरूर से लिखिए। और ये उड़ीसा संबलपुर से हैं, तो ये लिखते हैं, मेरी ओर से रोहिणी दीदी और सुधांशु भैया को जय मसीह की। और मैं उड़ीसा संबलपुर विलेज बुधिया कूटा का रहने वाला, बुधिया कूटा करके उड़ीसा संबलपुर में कोई है, तो वहां से ये देख रहे हैं। ये उड़ीसा संबलपुर कौन है, मनीषा माधुरी, ठीक है। मैं उड़ीसा संबलपुर विलेज बुधिया कूटा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कमल सोए है। कमल सोए भाई, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, मेरी गवाही है कि मेरा पेट दर्द 2 सालों से था, 2 साल से इनके पेट में दर्द था। कमल सोए संबलपुर से अगर आप हैं सभा में, आप जय मसीह की लिखिए। और ये लिखते हैं, 2 सालों से पेट में दर्द था। और ये लिखते हैं, ऐसा लगता था, अच्छा, इस कारण बहुत दर्द होता था। 2 वर्ष हो गए थे इनके पेट के दर्द, जो कमल सोए हैं उनके पेट के दर्द के 2 वर्ष हो गए थे और ठीक नहीं हो रहा था। और ये लिख रहे हैं कि इस कारण बहुत दर्द करता था, ऐसा लगता था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना दर्द था कि लग रहा था प्राण चले जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे, इतना ज्यादा इनको पेट में दर्द था। और ये लिख रहे हैं कि मैं बहुत दवा कराया फिर भी अच्छा नहीं हुआ। और जब मैं अपनी मम्मी के पास बोकारो आया तो मम्मी ने बताया रोहिणी थापा का सभा फेसबुक पर, इनकी मम्मी ने बताया। इनकी मम्मी कौन है, अगर आप कमल सोए की मम्मी हैं बोकारो से जो हैं, आप ही जय मसीह की लिखिए मैं कमल सोए की मम्मी। अगर आप देखते हैं और अभी तक कमल सोए दिखाई नहीं दिए हैं, 2 वर्ष के पेट के दर्द अब गायब हो गए हैं, अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, अगर आप सभा में शामिल हैं जय मसीह की लिखिए, या कमल सोए की मम्मी जो बोकारो से हैं, आप जय मसीह की मैं कमल सोए की मम्मी ऐसे करके लिखिए। और ये लिखते हैं कि मैंने देखना शुरू कर दिया, सभा को देखना शुरू कर दिया 10/9/2023 को संडे का सभा देखने लगा और मैं चंगा हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ये चंगा हो गए कमल सोए भाई सभा देखते देखते, मुझे जहां तक मालूम है इन्होंने फोन किया था और फोन से इन्होंने प्रार्थना कराया था और यीशु मसीह ने इनको चंगा किया, फोन से प्रार्थना कराया, सभा रेगुलर देखते रहे। इनको परिचय दिया कुनूल, हाँ, भाई, वो लोग आप लोग उनके बिहाफ में लिख सकते हैं, कुनूल करके हैं, कुनूल गुड़िया। क्या आप लोगों ने परिचय दिया इनको, कुनूल गुड़िया, अगर आप लोगों ने परिचय दिया बोकारो से, कुनूल गुड़िया अगर आपने परिचय दिया, आप जय मसीह की लिखिए और लिखिए कि हाँ मैंने परिचय दिया। कुनूल गुड़िया अगर आप सभा में शामिल हैं बोकारो से, तो इनका जो 2 वर्ष का जो दर्द था वो बिल्कुल ही ठीक हो गया, यीशु मसीह ने चंगा किया जब इन्होंने प्रार्थना कराया और इस सभा में रेगुलर बने रहे, यीशु मसीह ने पूरी रीति से चंगा किया। कमल सोए जो उड़ीसा में रहते हैं, तो अभी तो दिखाई खैर नहीं दे रहे हैं। कुनूल गुड़िया अगर आप लोग हैं सभा में, आप लोग देखिए, अंजना गुड़िया, कुनूल गुड़िया, तो ये लिख रहे हैं, और मैं चंगा हो गया, परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद, दीदी और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें धन्यवाद नहीं देना भाई, यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। और दोनों की बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने लिखा है, धन्यवाद हमें नहीं यीशु मसीह को देना है। और अभी तक कुनूल गुड़िया, अंजना गुड़िया ये सब दिखाई, कोई आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, बोकारो वाले भी नहीं दिख रहे हैं, और ये कमल सोए के परिवार से भी कोई भी अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसा ना हो कि आप फिर दिक्कत हो तो फिर प्रार्थना के लिए फोन करें और हमें भी प्रार्थना करने में दिक्कत हो जाए। कुनूल गुड़िया, अंजना गुड़िया आप लोग भी नहीं हैं। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिए, एब्सेंट है ये। और ये लिखते हैं, बहन है काजल कुमारी, काजल कुमारी रांची से, और काजल कुमारी लिखी हैं, सबको जय मसीह की, मेरा नाम काजल कुमारी है और मैं रांची से हूँ। और ये बहन काजल कुमारी बहन जो रांची से देखती हैं सभा, आप अपने आईडी से, काजल कुमारी के आईडी से अगर देख रही हैं, तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड लिखिए,
दूसरे आईडी से देख रही हैं तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड और अपने नाम को लिखिए, मैं काजल कुमारी ऐसे करके लिखिए ताकि हम लोग आपको देख पाए। और ये लिखती हैं कि मैं रांची से हूँ, मेरी गवाही यह है कि मुझे 15 दिन से सरदर्द। सरिता देवी की आईडी से उन्होंने लिखा है जय मसीह की मैं काजल कुमारी। हाँ, सरिता देवी की आईडी से जय मसीह की दीदी मैं काजल कुमारी लिखा है। दीदी तो ठीक है, भैया भी आपका पढ़ रहे हैं तो भैया भी लिखिए जय मसीह की काजल कुमारी। जय मसीह की दीदी मैं काजल कुमारी सरिता देवी की आईडी से उन्होंने लिखा है, देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, उन्होंने फिर लिखा जय मसीह की भैया मैं काजल कुमारी करके उन्होंने अब लिखा है। तो यीशु मसीह आशीष दे और हमारे साथ है। हम लोग पिन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद यहाँ पे पिन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग के उसमें हो रहा है। हाँ, ये सरिता देवी की आईडी से वो देख रही हैं और 15 दिन से इनके सर में दर्द था और बॉडी शरीर में पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन, अभी ऐसा ही चला हुआ है और लिख रही दवा से भी ठीक नहीं हो रहा था। और लिख रही हैं मैंने रोहिणी दीदी को प्रार्थना निवेदन दिया, सरिता देवी की आईडी से उन्होंने हालेलुया लिखा, देख सकते हैं उन्हीं की आईडी से काजल कुमारी देख रही हैं और लिख रही हैं निवेदन दिया और दीदी ने फोन के द्वारा मेरे कान में प्रार्थना कर दी। इन्होंने समय लिया, हम लोगों ने समय दिया, दीदी ने पास्टर ने समय दिया और इनके लिए फोन में प्रार्थना हुआ। और ये लिखती हैं प्रार्थना के बाद मेरा सर दर्द और बॉडी पेन ठीक हो गया और बुखार भी उतर गया, यीशु मसीह ने काम किया। जो 15 दिन हो गए थे इनका सर दर्द कर रहा था, शरीर दर्द कर रहा था और बुखार थे जो छूटने रहे थे, जो डॉक्टर जी दवाई से भी छूटने रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके लिए फोन में प्रार्थना हुई और यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से इनको चंगा कर दिया। काजल कुमारी जो सरिता देवी की आईडी से देख रही हैं, आप लोगों ने देखा उन्होंने जय मसीह की लिखा था, सरिता देवी ने फिर से हालेलुया लिखा है। इसके लिए मैं यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, मेरी इस गवाही से सबको आशीष मिले और दीदी भैया को बहुत आयत की आशीष मिले, फिर से सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। काजल कुमारी जो सरिता देवी के आईडी से देख रही हैं और अभी तक अंजना गुड़िया और कुनूल गुड़िया और ये लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, ये कमल सोए का परिवार भी अभी तक जुड़ा नहीं है, ऐसा ना हो कि फिर से विपत्ति आए और फिर आप। अच्छा, पिन हो गया है सरिता देवी का आईडी, उधर दिख रहा होगा, इधर नहीं दिख रहा, तो ऐसा ना हो कि फिर विपत्ति आए और फिर दिक्कत हो जाए। तो बोकारो वाले कोई भी अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। अंतिम गवाही में पढ़ रहा हूँ और ये है मोनिका लहरे की आईडी से। और मोनिका लहरे अगर आप हैं, बहन मोनिका लहरे, तो जय मसीह की लिखिए मोनिका लहरे बहन। और ये लिखती हैं सभी को जय मसीह की, मेरी गवाही एक आर्यन नाम के बच्चे की है जो रायपुर के हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में था, बहुत ही सीरियस था। मोनिका लहरे अगर आप सभा में शामिल हैं जय मसीह की आप लिखिए। और ये छत्तीसगढ़ से हैं मोनिका लहरे, और आर्यन नाम के बच्चे की है जो रायपुर के हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में था, हाथ पैर भी नहीं हिला रहा था, आईसीयू में रखा गया था, आईसीयू में था। मोनिका लहरे ने हालेलुया लिखा, इनको पिन कीजिए, देखिए। हाँ, मोनिका लहरे जय मसीह की भी लिख दीजिए, तब तक आप इनको पिन करने की कोशिश कीजिए। और हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, आईसीयू में वो बच्चा था। और ये लिख रही हैं मैंने उसके फैमिली वालों को इस सभा को सुनने को बोला और उन्होंने बता दिया, इस सभा का परिचय उन्हें दे दिया और आईसीयू में था, हाथ पैर तक हिला नहीं पा रहे थे। और ये लिखती हैं कि अच्छा, कमल सोए ओड़ी अभी दिखाई दे रहे, कमल सोए ओडिशा, कमल सोए इतने देर बाद कमल सोए दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कमल सोए। आपकी गवाही जो पहली गवाही हम लोगों ने पढ़ी, कमल सोए आपकी गवाही पढ़ी, इतने लेट से आप जुड़ रहे हैं, इतने लेट से नहीं जुड़ना है भाई, यीशु मसीह ने काम किया। हाँ, वो तो आप दिख रहे होंगे उड़ीसा कमल सोए के, कमल सोए का आईडी आपको दिख रहा होगा, जो पहली गवाही जो दिया, 2 साल से जिनका पेट दर्द और ये सारे चीज थे, ये यही भाई हैं कमल सोए। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, बहुत लेट से
जुड़े हैं लोग, तो यीशु मसीह ने इनको चंगा किया। रेगुलर सभा में जुड़े रहिए कमल सोए। और दूसरी बात है कि समय से आइए। तो अच्छा, मोनिका लरी की जो गवाही मैं पढ़ रहा हूँ, जय मसीह की, उन्होंने भी लिखा है, देखिए पिन कर सकते तो पिन कीजिए। और हॉस्पिटल में एक बच्चा था आर्यन नाम का, और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में था, हाथ पैर भी नहीं हिला रहा था, आईसीयू में रखा गया था। मैंने उसके फैमिली वालों को इस सभा को सुनने को बोला और उन्होंने विश्वास के साथ सुना और निवेदन भी दिया, यहाँ निवेदन दिया उन्होंने। और दीदी ने रिप्लाई किया और उसके बाद वो बच्चा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। उस बच्चे को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, आईसीयू में था आईसीयू में था, हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, सीरियस कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सभा को देखा और जैसे ही उन्होंने निवेदन दिया, यीशु मसीह ने बड़ा काम किया और आईसीयू से वो सीधा जनरल वार्ड में, मतलब कि वो यीशु मसीह ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, उसको चंगा किया, उसके जो कंडीशंस थे उसमें सुधार करना यीशु मसीह ने शुरू किया। क्योंकि अगर सीरियस कंडीशन है और वो आईसीयू में है तो उसको आईसीयू से कभी भी डॉक्टर नहीं निकालेंगे, जब उसके कंडीशन में बहुत ही अच्छा सुधार होने लगेगा तब उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। तो उन्होंने सभा देखा, निवेदन दिया और यीशु मसीह ने उनको, उनके बेटे को आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उससे पहले उसके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे, बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। तो यीशु मसीह ने इस परिवार के ऊपर अनुग्रह किया। वैसे ही इस सभा को जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में तो काम करते ही हैं, आपके जीवन में भी यीशु मसीह आशीषें देते हैं क्योंकि आपने किसी को यीशु मसीह का परिचय दिया है। तो जनरल वार्ड में आ गया है। इस गवाही से सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। दीदी भैया को आशीष मिले। मोनिका लहरे की गवाही है, मोनिका लहरे का आईडी से गवाही है। तो यीशु मसीह हम सबको आशीष दे इन सारी गवाहियों से। यीशु मसीह हमें, हमारे विश्वास को और अधिक ऊंचा उठाए और आपके विश्वास को और भी ऊंचाई तक ले जाए, ताकि यीशु मसीह का काम आपके जीवन में होने पाए। और ये सभा, मैं फिर से बताता हूँ, हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से ये सभा चलाई जाती है। और जो नियमित रूप से इस सभा में शामिल रहते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत काम करते हैं, उनके जीवन को बदलते हैं, उनके सारे परेशानियों को दूर करते हैं। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं इन सारी गवाहियों से। हम जितना भी प्रभु का धन्यवाद दे, यीशु मसीह का जितना भी धन्यवाद दे, वो बहुत ही कम है। तो आइए हम लोग अब सभा में आगे बढ़ते हैं और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग वचनों में जाएंगे। हम आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर पिन कर दीजिए और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं। आज फिर से आपके महिमा के सिंहासन के सम्मुख आते हैं, आपके क्रूस के निकट आते हैं। आपका क्रूस जो बेशकीमती है प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए उठाया प्रभु जी, उस क्रूस के भार को उठाया यीशु मसीह, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने उससे लहू बहाया यीशु मसीह, उस लहू के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दयालु परमेश्वर, आज के दिन अपने वचनों से बोलिए और बातचीत कीजिए। आप जो लोगों से बतलाना चाहते हैं यीशु मसीह, वो आप बोलिए प्रभु जी, मैं नहीं परंतु आप बोलिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि जब लोग सुने आपके वचनों को, वो अपने मन को फिराने पाए, आपकी तरफ मन लगाने पाए और यीशु मसीह जीवन को प्राप्त करने पाए। आपने ऐसा होने दिया, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। सारी बातों को आपके कंट्रोल में सौंपते हैं। सभा के संचालन में आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आशीष दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र मीठे महासामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वराज्य में इसे ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान से वचनों को सुनेंगे और अभी कोई भी अपने निवेदन को नहीं लिखेंगे। निवेदन लिखने का समय बाद में है, आप बाद में जरूर निवेदन लिख सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी अपने निवेदन को नहीं लिखेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर
आप देख सकते हैं हमारे पेज में आप देख सकते हैं, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने निवेदन को बाद में दे सकते हैं। ताकि हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, और अगर हम लोग वचन खोले तो मरकुस रचित सुसमाचार में जाएंगे तो वहां पे 15 अध्याय में अगर जाएंगे, मरकुस 15 अध्याय और उसके 27 से लेकर 32 पद तक, 27 से 32 तक एक बात को हम लोग देख सकते हैं। ध्यान से हम लोग वचन को सुनेंगे, पढ़िए मरकुस 15:27 27 से। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और एक उसकी बाई ओर क्रूस पर चढ़ाए। हाँ, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और लोगों ने उनके यीशु मसीह के दाहिने और बाएं 2 डाकू को भी क्रूस पे चढ़ाया। आगे तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कह कह कर उसकी निंदा करते थे। हाँ, देखिए यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे लोग, मार्ग में जाने वाले सर हिला हिला कर और बोल बोल कर प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहे थे, आप सुन रहे हैं ना, निंदा कर रहे थे। और आगे पढ़िए कि वह मंदिर के ढाने वाले, वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा। हाँ, क्रूस पर से उतर और अपने आप को बचा ले। आज भी कितने लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि उन लोग बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर 3 किलो में मर गया, और भी बहुत सारे बोलते हैं खुद को नहीं बचा पाया, तुम उस परमेश्वर के पास जाते हो जो खुद को नहीं बचाया तो तुम्हें क्या बचाएगा, पहले तो खुद को तो बचाना चाहिए, ऐसी बातें लोग बोलते हैं। तो ये मूर्खता की बातें हैं। यीशु मसीह क्यों मारे गए आप सभी जानते, इतने दिनों से आप वचन सुन रहे हैं, वो हमारे पापों के लिए मारे गए। नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि यीशु मसीह को छू ले। जो डांटते थे और आंधी और पानी भी रुक जाते थे, थम जाते थे, जिसको देखकर दुष्ट आत्माएं वहीं पे वो खड़ी हो जाती थी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित इंसान वहीं रुक जाते थे, जो लोगों को पत्थर लेके दौड़ाते थे मारने के लिए, और ऐसी तबाही वो लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित इंसान फैलाए हुए होते थे कि उस एरिया में कुछ जगह पे कदम धरना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह को देखते थे वो रुक जाते थे और वो कहते थे, हे दाऊद के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र। इस बात को वो लोग अंगीकार करते थे, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु नासरी है, वो पहचान जाते थे। तो यहाँ पे लोग कहने लगे कि अपने आप को नीचे उतार, इस बात को कहें, क्योंकि क्रूस पे यीशु मसीह के दोनों हाथों में कील ठोक के और पैरों में कील ठोक के उनको लटका दिया गया था। और ये बात वो लोग हंसी मजाक में करने लगे, मूर्खता की बातें बोलने लगे, सीरियसली उस बात को नहीं लिए। आगे पढ़िए, इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे। हाँ, महायाजक, महायाजक कौन थे, वो मंदिर की सेवा करते थे, परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे। और आगे ये लोग कहने लगे, आपस में ठट्ठे से कहते थे, हाँ, मजाक उड़ाने लगे और कहते थे कि इसने औरों को बचाया, इसने औरों को बचाया। यीशु मसीह जहां से गुजरते थे वहां लोग चंगे होते जाते थे, और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह चंगाई करते थे, वो गुजरते थे अंधे ठीक हो जाते थे, लंगड़े ठीक हो जाते थे, कोढ़ी ठीक हो जाते थे, जो पैरालिसिस के पेशेंट है, जो लकवे ग्रसित लोग है, वो चलने लगते थे, मुर्दे तक को यीशु मसीह आज्ञा देते, मुर्दा भी उठ के बैठ जाता था। और हम क्यों माने भाई, लिख दिया है किताब में तो हम मान जाएंगे, बाइबल में लिख दिया तो हम मान जाएंगे, नहीं, आज भी यीशु मसीह कर रहे हैं इसलिए हम मानेंगे। वो प्रमाण देते हैं और हम मानते हैं, बिना प्रमाण के हम क्यों मानेंगे भाई। लिखने में तो कितने लोगों ने क्या क्या नहीं लिख दिया, लेकिन जब उसका प्रमाण अभी तक हो, और यीशु मसीह का वचन कहता है इब्रानियों 13 में कहता है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक से हैं, यानी यीशु मसीह ने जो काम आज से 2000 साल पहले किए, जब वो इस संसार में शरीर थे उस समय किए, वही काम आज भी तो कर रहे हैं, इसलिए हम मानेंगे कि हाँ यीशु मसीह चंगाई करते थे और चंगाई करते हैं, और हम रहें या ना रहें यीशु मसीह चंगाई करते रहेंगे, वो जीवन बांटते रहेंगे। आगे कि इसने औरों को बचाया, यीशु मसीह ने औरों को बचाया कह रहे हैं, वहां लोग हंसी मजाक करने लगे,
मूर्खता वाली बातें करने लगे। इसने औरों को बचाया आगे और अपने को नहीं बचा सकता। अपने को नहीं बचा सकता, लोग क्या करें, मूर्खता की बातें कर रही है, औरों को बचा रहा था, अपने को नहीं बचा। जबकि यहूदी जाति जानता था, वहां पे मसीहा का एक जिक्र है कि वो आएगा और बहुत सारी बातें भविष्यवाणी के रूप में यहूदियों के उस धर्मशास्त्र में लिखी हुई थी, मसीहा आएगा और क्या क्या होगा, सब चीज पता था। लेकिन वो मूर्खता की बातें करने लगे कि ये दूसरों को बचाता है, खुद को नहीं बचा सकता। और आज भी हम मूर्खता की वही बातें बहुत बार करते हैं। आज भी हम उस मसीहा को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते, आज भी हम उस मसीहा से दूर रहने की कोशिश करते। दूर से सब आशीष प्रभु दे दीजिए, दूर से ही सब कुछ हमें मिल जाए, पास हम जाना नहीं चाहते। आगे पढ़िए, इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। वो क्रूस पर से उतर आए और हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे। वो भी उसकी निंदा करते थे, जो डाकू चढ़ाए गए थे उसमें से एक डाकू उसका निंदा, यीशु मसीह का निंदा करने लगा। क्यों? क्योंकि वो मूर्खता वाली बातों को करने लगा। और ऐसा काम क्यों होने लगा? क्योंकि बाइबल में साफ साफ इस बारे में लिखा हुआ है। अगर हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरंथियों में, देखिए क्या लिखा, पहला कुरंथियों करके बाइबल में एक पुस्तक है, सब चीज का जवाब बाइबल में ही आपको मिल जाएगा। पहला कुरंथियों उसका एक अध्याय और उसके 18 से लेकर 22 पद तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां इस बात का जवाब मिल जाए क्यों लोग ठट्ठा करने लगे। और आज भी लोग ठट्ठा क्यों करते हैं? आज भी मूर्खता वाली बातें क्यों करते हैं? आज भी लोग ये क्यों कहते हैं, इसने अपने आप को नहीं बचाया, 3 किलो में मर गया तो हमें क्या बचाएगा? ये मूर्खता वाली बात ही तो है। और वो लोग क्यों करते हैं इस बात को, वहां पे पढ़ेंगे तो देखेंगे। देखिए पढ़िए, पहला 18 से 22 तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। हाँ, साफ साफ आप सुन रहे हैं, क्रूस की कथा जो है ना वो नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। जो नाश होने वाले हैं उनके निकट क्रूस की कथा जो है ना वो मूर्खता ही तो है। वो क्या कहेंगे, अरे खुद को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा? नाश होने वाले, कुछ नाश होने वाले हैं और कुछ बचने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में इस बात का जिक्र है, कुछ तो नाश होने के लिए ही बने हैं, वो नाश ही होंगे। उनको कितना भी आप सुसमाचार सुना दीजिए, कितना भी उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, कितना भी उनके जीवन में काम हो जाए, कितना भी चंगे हो जाए, कैंसर तक से बच जाए, एड्स से बच जाए, वो मृत्यु में जाते जाते यीशु मसीह उनको खींच के निकाल दे, यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ कर दे, लेकिन वो नाश होने के लिए बने हैं और वो नाश ही होंगे। वो क्रूस की कथा पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहां साफ साफ बाइबल में लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट, हाँ, परंतु हम बचने वालों के निकट, उद्धार पाने यानी बचने वाले, बच जाने वाले, जीवन पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य, वही क्रूस तो हमें सामर्थ्य देता है। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं लटके होते तो आज हम नहीं बचते। यीशु मसीह ने कुर्बानी दी हमारे लिए, वो कुर्बान हो गए हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया, वो क्रूस पे ऐसे ही नहीं लटक गए। और मैंने कहा ना, मेरे प्रियो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि उनको क्रूस पे लटका सके, उनको छूने तक की हिम्मत नहीं थी। कि मैंने कहा ना, जो बोलते थे और आंधी पानी थम जाते थे, जो बोलते थे और पेड़ सूख जाते थे, जो बोलते थे मुर्दे जिंदा हो जाते थे, जो आज्ञा देते थे दुष्ट आत्मा जो है लोगों के जीवन से, लोगों के शरीर को छोड़ के भागने लगती थी, उनको छूने की साहस किसको थी? फिर भी उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे चढ़ना मंजूर किया, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी। क्योंकि बाइबल बताती है हम सभी कोई क्या है, पापी हैं, और पाप का प्रायश्चित पुराने नियम में, बाइबल दो नियम में बटा हुआ है, पहला पुराना नियम यानी यीशु मसीह से पहले का नियम, आने से पहले का नियम, और नया नियम यानी यीशु मसीह जब आए इस संसार पे मानव रूप धर कर आए और महिला के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद का नियम दो भागों में बटा हुआ है बाइबल। तो यहाँ पे पुराने नियम में था कि बिना लहू के प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि पाप किया है तो मृत्यु है, लेकिन लहू बहाना होगा उसके लिए, प्रायश्चित लहू ही है।
और यीशु मसीह इसीलिए तो इस संसार में आए, हमारे प्रायश्चित के लिए आए। और अगर हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 24 पद पे, तो वहां पे हम इस बात को देखते हैं। देखिए ध्यान से हम लोग सुनेंगे, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और उसके 24 पद में एक बात साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से हम सुनेंगे। आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। हाँ, वो आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए कहाँ चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया। यही क्रूस की कथा है, मेन तो यही है क्रूस की कथा। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पे चढ़ गया। आज क्या यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आए कि आप चंगे हो जाएं? नहीं, आपके प्राणों को, आपको जीवन देने के लिए प्रभु आए हैं। मेन चीज तो ये जीवन है। अगर जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं है। और प्रभु इसलिए तो आपको जीवन देने आए। एक जीवन इस संसार में है, यहाँ तो आपको प्रभु स्टाम्प लगाते ही हैं, आपको जीवन देके स्टाम्प लगाते हैं कि उनके पास जीवन है। और एक है अनंत जीवन, बाइबल बताती है अनंत जीवन के बारे में, क्योंकि बाइबल के अनुसार एक बार मरना, एक बार हम मृत्यु में जाएंगे और उसके बाद न्याय होगा, और न्याय जब होगा तो या तो हम स्वर्ग जाएंगे यानी अनंत जीवन के तरफ चढ़ेंगे, या फिर हम नरक जाएंगे यानी अनंत मृत्यु की तरफ जाएंगे। और यीशु मसीह इसलिए संसार में आए कि हम अनंत जीवन पाएं। इस संसार में जीवन से ज्यादा वो उस संसार में अनंत जीवन देने के लिए संसार में वो क्रूस की मृत्यु को सह लिए। और बाइबल बताती है वो आप ही हमारे लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गए। हमारे पापों को उन्होंने उठाया और वो क्रूस पे चढ़ गए, क्योंकि बाइबल इस बात को ही बताती है जो क्रूस पे लटकाया जाता है, जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारे सारे चीजों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए। और इसी क्रूस की कथा, जो यही क्रूस की जो कथा है ना, कईयों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम बचने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इतना बड़ा प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा, और ये मूर्खता इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं हम तो सिर्फ चंगे हो जाएं और उसके बाद हमें क्या मतलब है प्रभु से, यीशु मसीह से। लेकिन न्याय होगा, और सबों का न्याय होगा, एक एक लोगों का न्याय होगा। तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने काम किया, परमेश्वर पूछेंगे तुम्हारे लिए यीशु ने, मेरे बेटे ने काम किया? आप बोलेंगे हाँ मेरे लिए काम किया। तुम्हारे लिए क्या काम किया? मेरे लिए ऐसा काम किया, वैसा काम किया, आप खुद बोलेंगे। और तुमने मेरे बेटे के नाम पर विश्वास किया? हाँ मैंने विश्वास किया। तो तुम आगे बढ़े, प्रभु को, मेरे बेटे को अपने जीवन में तुमने स्थान दिया, ग्रहण किया, अपने जीवन को मेरे बेटे के नाम किया? आप बोलेंगे नहीं, वो तो नहीं किया। तो फिर ये कैसा विश्वास है? ये तो फिर स्वार्थ है। और तुमने क्रूस की कथा पे विश्वास नहीं किया। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए दुख उठाया। आप सोचिए, हमारे लिए प्रभु ने दुख उठाया, और एक बाप कैसे इस बात को बर्दाश्त करेगा कि उसके बेटे ने अगले के लिए दुख उठाया, लेकिन उस अगले ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इतना दुख उठाने के बावजूद हम अगर प्रभु पे विश्वास ना करें तो उस पिता को कैसा लगेगा? और वो पिता जो यीशु मसीह का पिता है, जो परमेश्वर है, और पुराने नियम में हम उनका जिक्र पाते हैं, वो बहुत ही कड़े परमेश्वर हैं, और वो हर चीज को बर्दाश्त नहीं करते, वो गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते। आदम हव्वा को उन्होंने अपने हाथों से बनाया और उसको अदन के बगीचे में रखा। एक गलती हुआ, परमेश्वर ने उसको बोला तुम अब यहाँ पे नहीं रह सकते, अब तुम्हें यहाँ से निकाला जाएगा, और उसके बाद मृत्यु फैल गई। मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्रूस की कथा, तो यही है कि वो अपने आप हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम बच जाएं। किस लिए चढ़ा? हम बच जाएं, बस इतने के लिए वो क्रूस पे चढ़े, इतने के लिए वो संसार पे आए। सोचिए, कोई भी किसी को भी पता रहेगा उस रास्ते से मैं जाऊंगा और वहां पे मेरे लिए घात लगा के लोग बैठे हैं, वहां मुझे मारने के लिए बैठे हैं, वो अपना रास्ता चेंज कर देगा। यीशु मसीह को मालूम था कि वो इस संसार में आएंगे और उनको लोग मारेंगे, उनको क्रूस पे चढ़ा देंगे, उनके ऊपर मूर्खता से लोग हंसेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उनको घूसों से मारेंगे, उनके ऊपर थूकेंगे। फिर भी वो इस संसार में आए और उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी को दी, इतना बड़ा हमारे लिए कष्ट सहा। लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं? हमें प्रभु सिर्फ नौकरी चाहिए, बस इतने तक ही हम सीमित रहते हैं। हम जीवन को अपनाना नहीं चाहते,
हम उस क्रूस की कथा पे विश्वास करना नहीं चाहते। तो बाइबल साफ कहती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, मूर्खता वाली बात है। अरे हमें क्या, वो प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पे चढ़ गए, हमें क्या, हमें तो सिर्फ नौकरी से मतलब है, हमें तो सिर्फ हमारी शादी हो जाए उससे मतलब है, हमें तो सिर्फ चंगे हो जाए उससे मतलब है। नाश होने के वालों के निकट मूर्खता ही है। आगे अगर हम लोग देखिए पढ़ेंगे रोमियो की पत्री में, देखिए 3 अध्याय और उसके 23-25 पद तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम एक बात को देखते हैं, ध्यान से सुनिए। इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया, बाइबल क्या बताती है, सब ने पाप किया, जो इस संसार में आया उसने पाप किया। चाहे वो कितना भी बड़ा साधु महात्मा क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा कोई भी क्यों ना हो जाए, सब ने पाप किया, सब ने पाप किया, एक एक ने पाप किया। सिर्फ धर्मी एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह, उसने कोई पाप नहीं किया। बाइबल बताती है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो तो हमारे लिए बोलता था हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। जब उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब उनके मुंह पे थूका जा रहा था, जब उनको गालियां दी जा रही थी, जब उनके और भी उनको बेइज्जत किया जा रहा था, तो वो ये नहीं सोचते थे रुको तुमको अभी बताते हैं, तुमको अभी मैं बताऊंगा, वो ये बात नहीं बोले। जब उनको ले जाके क्रूस पे लटका दिया गया, उन्होंने किसी को नहीं बोला तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे, उन्होंने मन में भी ऐसा नहीं सोचा, बाइबल बताती है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, क्यों, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप किया है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा मेरे प्रियो, हर चीज का भुगतान है यहाँ पे, हर चीज इस संसार में जो भी चीज है आप जो करते हैं उसका रिएक्शन होता है, एक्शन के बदले रिएक्शन, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, हर चीज का। पाप किया है तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, और महिमा से रहित हो जाते हैं जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। और जब परमेश्वर की महिमा से रहित होंगे, जब परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहेंगे, तो उस स्थान को कोई ना कोई तो भरेगा। आप एक खाली बोतल को, खाली ग्लास को अगर रख देंगे, ऐसे ग्लास रख देंगे और उसमें अगर पानी डाल देंगे तो वहां हवा प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन अगर उस ग्लास के अंदर आप पानी नहीं डालते हैं, कोई लिक्विड नहीं डालते, तो वहां हवा तो रहेगी, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो तो हवा तो उस स्थान को घेर के रखेगी। वैसे ही जब हमारे जीवन में परमेश्वर रहते हैं, महिमा उनकी रहती है, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, यीशु मसीह रहते हैं, तब कोई दूसरी चीज हमारे अगल बगल फटकने की साहस नहीं कर सकती। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो कोई ना कोई तो आएगा उस जीवन पे अपना अधिकार जमाने, कोई आएगा, रोग दुख बीमारी समस्याएं दुष्ट आत्माएं शैतान ये सब आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे जीवन तो खाली है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और हमने पाप किया है, तो कोई तो क्लेम करने आएगा, ये तो मेरा है, इसने पाप किया है, इस पे मेरा अधिकार है, और सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आगे परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, छुटकारा किससे है, मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में, बाइबल में लिखा मसीह यीशु में है। आप इस बात को समझे मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह में है छुटकारा वही है। आगे पढ़िए, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं, फ्री में धर्मी सर ठहराए जाते, कैसे धर्मी, फ्री में धर्मी। हम लोग मसीह के पास आना इसलिए नहीं चाहते ना बहुत लोग, क्यों, क्योंकि फ्री में सब चीज मिल रहा है, इसी का दाम अगर लगा दिया जाए, आप लेके आइए, आप कम से कम 20 सोने के सिक्के लेके आइए, आप 50,000 रुपए लेके आइए, आप लाइन लगा के आएंगे, लेकिन फ्री की चीज का लोग वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि मसीह आए, उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, वो फ्री में लटका दिए गए, वो लटक गए हमारे लिए, सब कुछ फ्री में कर दिया। अगर बोला जाता जो मसीह के पास आएगा, तुमको तुम्हारे रोग से चंगाई चाहिए, तुमको एक उंगली काट के देना होगा तब तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो लोग उतना भी करने के लिए ठीक हो जाते, चलो एक उंगली तो काटना है कैंसर तो ठीक हो जाए, इतना भी लोग करने के लिए तैयार रहते। अब बोला जाता कि नहीं तुमको इतना एक ट्रक भर के तुमको देना है तब तुम्हारा वो वाला रोग
ठीक हो जाएगा तो लोग वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम चंगाई सभा जब चलाते थे और उस समय कई लोग आते थे, बोलते थे हम ट्रक ट्रक कितने ट्रक हम लोगों ने सामान दे दिए, यहाँ मांगा वहां मांगा सब कुछ हम लोगों ने कर दिया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। तब हम लास्ट में जब कंगाल हो गए तब आपके पास आए हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, और वो चंगे हो गए, और जब चंगे हो गए तो वो भाग गए। क्यों? क्योंकि क्रूस की कथा पे उन्होंने विश्वास नहीं किया। फ्री में मिल गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसे रुपये नहीं मांगे जाते। आप इतना पैसा लेके आइए तब आपका लाइन लगेगा, टोकन लगेगा, तो लोग क्या करते हैं उस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। और यहां लिखा सेंत में धर्मी ठहराए गए, मसीह यीशु में फ्री में धर्मी ठहराए गए। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद। हम सब कोई मसीह यीशु में फ्री में धर्मी ठहराया गया। क्यों? ये फ्री की चीज ऐसे ही नहीं मिली, ये फ्री नहीं था। प्रभु ने अपने अपना रक्त उस हमारे पाप के बदले दिया, उन्होंने सब चीज उठा लिया और ये हमारे लिए फ्री का बना दिया। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते, जितना भी धन्यवाद दे वो कम। मेरे प्रियो, लेकिन आखिरी बात यहाँ पे फिर आती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट क्या है? मूर्खता है। एक मूर्खता आज से 2000 साल पहले लोगों ने किया, जब यीशु मसीह लटकाए गए। आप लोगों ने सुना ना, कितने लोग वहां से गुजर रहे थे और हंस रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि मूर्खता का काम कर रहे थे। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया और हमारे लिए तकलीफ उठाया और हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ गए, हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ गए, और लोग क्या कर रहे हैं? हंस हंस के जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो उस बात पे विश्वास करना नहीं चाह रहे। मालूम है उसका क्या परिणाम हुआ? क्योंकि बाइबल बताती है जो उस पर विश्वास करते हैं वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो बच जाते हैं, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करते वो नाश हो चुके, वो उस पर दंड की आज्ञा हो चुके, वो दोषी ठहर चुके। बाइबल इस बात को कंफर्म करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में अभी नहीं निकालेंगे समय की कमी के कारण, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन जो उसके पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करते, जो इस क्रूस की कथा पे विश्वास नहीं करते, वो दोषी ठहर चुके। और लोगों ने उस क्रूस की कथा पे आज से 2000 साल पहले, क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए हमारे पापों को उठाया और वो क्रूस पे चढ़ गए, और हम उस यहूदी जाति के बीच में ये सारी घटनाएं हुई जो आज का इसराइल कहलाता है। और वो जब लटकाए गए तो लोग मूर्खता वाली हरकत करने लगे, वो उस परमेश्वर के पुत्र का उपहास करने लगे। वही लोग जिनके बीच में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, मुर्दे तक को जिंदा किए, और लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, मूर्खता वाली बातें कर रहे थे। लोग कह रहे थे ये अपने आप को नीचे उतारे पहले, जिसने दूसरों के जीवन में काम किया ये खुद नहीं बच पाया, ये अपने आप को नीचे। और भी उन्होंने विश्वास करना प्रभु पे नहीं चाहा और उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हुआ। मैंने कहा ना बाइबल दो हिस्सों में बटी है, पहला पुराना नियम और एक है नया नियम। और आज जो ईसवी सन जो लगते हैं ना, आज हम 2023 में हैं और ये ईसवी यीशु मसीह के आने के बाद ही ईसवी शुरू हुआ। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए, तब से ये ईसवी करके शुरू हुआ। और जब 70 ईसवी हुआ, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वह स्वर्ग उठा लिए गए, और ईसवी शुरू हो गया। पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके साल शुरू हो गए। और जब 70 साल हुआ, आज हम 2023 में हैं, तो 70 साल के आसपास का समय जो था उस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई। और वो ऐसा हुआ कि रोम शासन ने इसराइल में हमला किया और वहाँ यरूशलेम में जो उनका मंदिर था उसको तहस नहस कर दिया, और जितने यरूशलेम के लोग थे उनको मारना काटना शुरू किया, और इतना मारा, इतना काटा, इतना तबाही मचा दिया रोम शासन ने कि पूरा वो यरूशलेम और इसराइल उजड़ गया और वो पूरे संसार भर में फैल गए, जिसमें से कुछ इजरायली लोग हमारे हिंदुस्तान में भी आए। आप साउथ जाइएगा तो वहां भी इजरायली लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसे करके पूरे संसार में वो बिखेर दिए गए, बिखर गए। क्यों? क्योंकि क्रूस की कथा
नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, उन्होंने विश्वास करना नहीं चाहा क्रूस की कथा पे कि ये सृष्टि का मालिक इस संसार में आए हैं हमारे पापों को उठाने के लिए, और वो क्रूस पे चढ़ गए। उन्होंने उस बात पे विश्वास नहीं किया और ऐसा हुआ उनके जनरेशन के जनरेशन तबाह हो गए, पूरे संसार में उनको भटकना पड़ा। उनके पास एक इज़राइल ऐसा देश था जिसके पास अपना देश नहीं था, देश बोलने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि सारा देश उजड़ चुका था। पूरे संसार में उनको भटकना पड़ा। उनका अपना मंदिर जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई वहां से सब कुछ उनकी उपस्थिति खत्म हो गई और पूरा संसार में इसराइलियों को यहूदी जाति को उनको भटकना पड़ा। कई अफ्रीका में कुछ लोग बस गए, कुछ अमेरिका में बस गए, कुछ जर्मनी में बस गए, कुछ भारत में आ गए, कुछ और भी दुनिया के तमाम देशों में उनको छितरा के उनको रहना पड़ा क्योंकि उनके पास अब अपना देश नहीं था। सोचिए सृष्टि के मालिक का अनादर करना कितना भयंकर बात है। उन्होंने उस क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें आप जानते हैं हिटलर नाम का शासक आया, हिटलर नाम का जर्मनी का चांसलर आया और उसने इतनी भयानक तबाही मचाई कि 60 लाख यहूदी जो पकड़ के उनको गैस के चेंबर में डाला गया। क्यों? क्योंकि लिखा है ना क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, क्योंकि ये यहूदी जाति नाश होने के लिए बनी थी उस समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रूस की कथा पे विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास कर लेते तो पूरी जाति बच जाती। और उसके बाद उनको 60 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। उन्होंने डाला, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया जर्मनी वहां वैज्ञानिकों ने, किसी को किसी और तरीके से मारा, किसी को किसी और, यहां तक कहा जाता कि उनके शरीर की जो खाल रहते थे ना उसको उधेड़ देते थे। जैसा जैसा उन्होंने मसीह के साथ किया वैसा वैसा उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ यहूदी जाति के ऊपर। यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाए गए थे एक समय जिस हिसाब से पोजीशन में वो लटकाए गए थे उनकी सांस रुक गई थी, मतलब सांस बहुत मुश्किल से उनको आ रही थी, और वही उनके यहूदी जाति को गैस के चेंबर में हुआ क्योंकि एक एक जो उनको जिस जगह में रखा जाता था वो ये जहां पे 10 लोगों के रहने की जगह है वहां 100-100 लोगों को ठूस के रखा जाता था। उनको हिलने डुलने का भी वहां पोजीशन नहीं रहता था, यहूदी जाति को वो हिल डुल भी नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल से वो हिलना डुलना होता था। ठीक वैसा ही पोजीशन उनके साथ भी हुआ, ठीक वैसा ही उनके साथ भी वही सारी चीजें होके आई। क्यों? क्योंकि क्रूस की कथा में फिर कह रहा हूं नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, उन्होंने विश्वास नहीं किया और जैसा जैसा उन्होंने मसीह के साथ किया वैसा वैसा हुआ और गैस चैम्बर में उनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ के कितनों को मृत्यु में डाल दिया गया। उनके भी वैसे ही सांस रुक के मृत्यु हुई, कितने के बदन के चमड़े उधेड़ दिए गए, कितनों पे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए और इतने खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुए जो मनुष्य सोच नहीं सकता। जैसा उन्होंने मसीह के साथ किया वैसा उन्होंने उनके साथ भी हुआ। और आज इजराइल देश 1948 में इजराइल देश फिर से अस्तित्व में आया क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात का जिक्र है, मैं अपने देश, मैं अपने लोग, मैं अपने जन इजराइल को नहीं भूलूंगा, उनको फिर से वापस लाऊंगा। और ये इजराइल देश का बनना भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सारी बातें बाइबल में लिखी है, इसलिए इजराइल जो है यहूदी जाति पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर के एक वायदे ने उनको फिर से बचाया और आज इसराइल इतना उन्नत है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है मेरे प्रियो, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके जनरेशन के जनरेशन खत्म हो गए। 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में डाल के मार दिया गया जिसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे, आप सोचिए। लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आप उस क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं या आप उस क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते? अगर नहीं करते और आपसे बोलते कि मेरे लिए सिर्फ चंगाई के काम हो जाए, उस इजरायली जाति के पास ऊपर भी यीशु मसीह जब इस संसार में सशरीर थे, जब इजराइल में घूम घूम के प्रचार करते, उन्होंने बहुत चिन्ह चमत्कार किए, बहुत सारे काम किए, मुर्दे तक को जिंदा किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके जनरेशन जनरेशन उनके तबाही में चले गए, उनके जनरेशनों को दुख उठाना पड़ा क्योंकि वो नाश होने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। अगर वो विश्वास करते, उसी देश में मसीह आए लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और उसके कारण
पूरा का पूरा यहूदी जाति खत्म होने के कगार पे हो गई, लेकिन परमेश्वर के वायदे ने उनको फिर से बचाया और उनको फिर से स्थापित किया इसराइल को, और आज वो इसराइल इतना उन्नत है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते? आप बोलते मैं विश्वास करता हूं, क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आए, उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए दुख उठाए, और जब हम उनको नाम को अंगीकार करते हैं, जब हम उनको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं, या आप ये विश्वास करते हैं कि मैं इस ऑनलाइन सभा को देखूंगा और मेरे लिए तो नौकरी हो जाएगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे लिए मेरी शादी की व्यवस्था हो जाएगी, मेरा घर बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा? क्या आप ये विश्वास करते हैं? दोनों में बहुत अंतर है। परमेश्वर आपकी चंगाई, नौकरी और ये उस विश्वास की बात नहीं करते हैं। आप मसीह के पास आए तो वो तो ऐसे ही होगा, लेकिन परमेश्वर आपके उस विश्वास की बात करते हैं जो उन्होंने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, आपके लिए दुख उठाया, इतना कोड़ा खाया जो कोई साधारण इंसान खा नहीं सकता, और उसके बाद वो क्रूस पे चढ़ाए गए। तो आप ये विश्वास करते हैं या नहीं करते कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे लिए संसार में आए और क्रूस में वो हमारे लिए चढ़े और वो हमें बचाने के लिए, और वो हमें अनंत जीवन देंगे? कब? जब हम उनके करीब जाएंगे, जब उनको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, जब हम उन्हें अपना जीवन देंगे। किस विश्वास में आप चलते हैं? कहीं हमारा हाल भी यहूदियों जैसा ना हो जाए मेरे प्रियो, कि हम भी हमारे जनरेशन और हम और हमारे जनरेशन वैसे ही तबाही की तरफ ना बढ़ जाए, क्योंकि ना साफ साफ बाइबल कहती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम विश्वास करने वालों के निकट परमेश्वर की वही तो सामर्थ है। वही हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े तो हमारे लिए चढ़े और हमें जीवन देने के लिए चढ़े। जैसा आपका विश्वास है और जैसा आपका चॉइस है वैसे ही आपके लिए होगा। आज नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे, लेकिन जैसा आप निर्णय लेंगे, आप अगर उस जीवन मूर्खता वाले निर्णय लेंगे तो मूर्खता वाले ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ेंगे, और आप सामर्थ वाले उनके निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले मेरे प्रियो। जब प्रभु ने आपके जीवन में इतना भी काम किया, आगे बढ़िए प्रभु में, वरना कहीं हम भी नाश होने के लिए ना बने हो, वरना हम भी कहीं कल को पछताते न रह जाए। तो इन बातों से यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। अभी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले तो मांगिए यीशु मसीह हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमें आपके रास्ते में चलने की सामर्थ दीजिए, और बाकी जो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो यीशु मसीह से मांगिए, यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, और प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि आप इन वचनों को समझें, इसके अनुसार चलने के लिए आपकी सहायता वो करें, और साथ ही परमेश्वर के दास को और भी अधिक अभिषेक मिले। तो ये समय है, आइए हम चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने आँखों को आप बंद कर लें। आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, आप अपने स्थान में स्थिर हो जाएं। यदि आप यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चंगे होना चाहते हैं, यदि आप छुटकारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, तो ये समय है। अपने आँखों को आप बंद कर लें, और अब जब प्रार्थना होगी अपने मन को स्थिर रखें, विश्वास के साथ यीशु मसीह के सम्मुख आप अपने सारे निवेदन को रखेंगे। ये समय है, आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करेंगे। जो मैं अभी प्रार्थना करूंगी आप उसे रिपीट करेंगे अपने स्थान में, आप उसे दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, और जब तक प्रार्थना होगी आंखों को बंद ही रखेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, और अपने लहू से, और अपने लहू से हमें धोकर, हमें धोकर शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, हमारे पापों को, हमारे पापों को, गुनाहों को, गुनाहों को, हर श्रापों को, हर श्रापों को आप
दूर कीजिए, आप दूर कीजिए, यीशु मसीह हमें चंगा कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए, जब हमने आपके नाम पर विश्वास किया है हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए यीशु मसीह हमारी सुधि लीजिए हमें आशीषित कीजिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए आमीन। ये समय है, अपने आंखों को बंद ही रखेंगे। आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं अपने आंखों को बंद रखेंगे और अब आपके लिए प्रार्थना होगी। मैं प्रार्थना करूंगी, आप अपने सारे समस्याओं को, आपके जो भी तकलीफ हैं आपके जीवन में, जो भी परेशानियां हैं, चाहे आप रोग में हो, चाहे आप कमी में हो, आप कर्ज में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो केस मुकदमे में उलझे हैं, बहुत सारे हैं अपने बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप जैसा प्रभु से चाहते हैं, जिन बातों में सहायता चाहते हैं, अपने मन में यीशु मसीह का नाम लेकर आप मांगें कि यीशु मसीह हमें आप छुटकारा दीजिए, हमें चंगा कीजिए, वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे। यदि आप पढ़ने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम लेकर आप मांगें कि यीशु मसीह हमें ज्ञान बुद्धि दीजिए। अपने जीवन में असफल हैं, आप मांगें यीशु मसीह हमें सफलता दीजिए। और पूरे प्रार्थना में आप अपने मन में अपने सारे निवेदनों को रखेंगे और जब प्रार्थना का अंत होगा मैं यहाँ आमीन कहूंगी, आप भी मेरे साथ आमीन कहेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से सुने, जब प्रार्थना होगा अपने निवेदन मन में रखेंगे और प्रार्थना का अंत होगा मैं आमीन कहूंगी, तो आप मेरे साथ आमीन जरूर कहें ताकि प्रभु आपके विश्वास को देखें, आपकी आवाज को सुने और आपके जीवन को आशीषित करें। आप बच्चों के साथ बैठे हैं, बातचीत नहीं करेंगे, आप अपने स्थान में स्थिर रहें और बिल्कुल विश्वास से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर मांगें, वो परमेश्वर आज आपकी सुधि लेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, इस कड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप भले परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं प्रभु यीशु कि लोग बचाए जाएं, आप चाहते हैं प्रभु कि लोग अपने जीवन में आपके प्रेम के स्वाद को चखें, क्योंकि आप बहुत भले परमेश्वर हैं। आपके वचन के अनुसार जो कल्पनाएं आपने हमारे लिए किए हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि लोग अच्छे जीवन को प्राप्त करें, आप चाहते हैं कि लोग बेहतर जीवन को प्राप्त करें, आप चाहते हैं प्रभु कि लोग नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी लोगों ने आपके वचनों को सुना है जो आज आपने अपने दास के द्वारा हम लोगों से बोला और बातचीत किया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इन वचनों को समझने के लिए आप प्रत्येक की सहायता कीजिए, लोग प्रभु आपके नाम पर जब विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु बदलाहट होने पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हर एक जुड़ने वालों को विश्वास के वरदान से भर दीजिए, क्योंकि बिना विश्वास के हम आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए प्रभु, ताकि लोग विश्वास करें कि आपने हम प्रत्येक के लिए अपने पीठ पर कोड़ों की मार सही है, आपने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया है, आपने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। प्रभु अपने वचन के अनुसार आप इस संसार में आए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं, आप वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं और जो आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं प्रभु वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। इस वचन को अपने लोगों के लिए पूरी कीजिए। इस घड़ी बहुत सारे लोग हैं जो निराशा में हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो भय में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु डिप्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारी बातों को लेकर वो व्याकुल हैं प्रभु, उनके मन टूटे हुए हैं। प्रभु यीशु आपकी दया इन पर होने पाए। जब ये अपने दुख से बाहर निकलते हैं ये जीवन भर आपका धन्यवादी होने पाए, क्योंकि प्रभु अपने वचन के अनुसार आप काम करने वाले परमेश्वर हैं।
जितने आपको पुकारते हैं आप उनके लिए भले परमेश्वर हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। इस घड़ी प्रभु इनकी सारी दुर्बलताओं से इन्हें छुटकारा दीजिए। जितने भी शरीर के रोग हैं, मानसिक समस्या है, आर्थिक तंगियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर तरह की बीमारियों को यीशु नाम से अधोलोक में डालते हैं। जितने भी शरीर के कष्ट हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। नाना प्रकार की बीमारियों को, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के जीवन में यीशु आपका अनुग्रह होने पाए। इस घड़ी यीशु नाम से हर दुष्ट आत्मा के काम दूर होने पाए। हर एक बुरी शक्तियों को, हर एक तरह के दुर्बलताओं को यीशु नाम से अधोलोक में डालते हैं। कोई भी मनुष्य की बुरी युक्ति और शक्ति लोगों के जीवन में काम करने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह, जो इस घड़ी अंधकार में जकड़े हुए हैं, कई एक हैं जो पहली दफा इस आराधना में जुड़े हैं, जिनके जीवन में बहुत सारे दुष्ट आत्मा के काम हैं, यीशु नाम से वे इस घड़ी स्वतंत्र होने पाए। कोई भी बुरी आत्मा इन्हें कंट्रोल करने ना पाए। हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स को यीशु नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के बुरे व्यवहार को यीशु नाम से हम इस घड़ी दूर करते हैं। हर एक तरह की बुरी बातों को जो इनके जीवन में है, यीशु नाम से उसे दूर करते हैं। प्रभु इनके मन मस्तिष्क को आप कंट्रोल कीजिए, शांत मन दीजिए, धीरज दीजिए। प्रभु इनके जीवन से सारी कड़वाहट की बातों को दूर कीजिए। यीशु नाम से हर तरह के सर दर्द को आज्ञा दे रहे हैं, निकलकर अधोलोक में चला जाए। यीशु के नाम से जितने भी सर से जुड़े हुए दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, इस कड़ी से यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी माइग्रेन के दर्द हैं, ब्रेन हैमरेज के तकलीफ हैं, सर के जितने भी तरह के इन्फेक्शन है, न्यूरो से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आंखों के दर्द, आंखों के सूजन, आंखों के लालीपन, हर एक तरह के आई इन्फेक्शन यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी आईज के इन्फेक्शन हैं और तकलीफ है, दर्द है, वो इसी घड़ी से यीशु नाम से दूर होने पाए। कानों के दर्द, बहरेपन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के मवाद आने की तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। कान के पर्दों में जो भी तकलीफ है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। गले के दर्द, गले के सूजन, थ्रोट इन्फेक्शन यीशु नाम से दूर होने पाए। मुंह के हर एक छाले, मुंह के घाव, ऐसे घाव जो सूख नहीं रहे हैं, यीशु नाम से इस घड़ी से सूखने पाए। यदि बीमारी है प्रभु, उसे चंगा कीजिए। यदि शैतानिक युक्तियां, उसे विफल कीजिए। और तमाम पायरिया की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। मसूड़ों के दर्द, सूजन, दांतों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी छाती के इन्फेक्शन हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया के बुरे लक्षण, हर एक तरह के सांस लेने में दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। ऑक्सीजन के लेवल में जो भी गड़बड़ी है, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी छाती में ग्लैंड्स हैं, सिस्ट हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी हार्ट ब्लॉकेज हैं, हृदय संबंधित तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, यीशु नाम से वो भी नॉर्मल होने पाए। हर एक तरह के धड़कन बढ़ने के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी घबराहट हैं, बेचैनी है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी पेट से जुड़े हुए दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, जो लंबे समय से हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। पेट के हर एक दर्द, जिस कारण से भी हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। पेट के हर एक तरह के गोले जो घूमते हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के गैस्ट्रिक के तकलीफ शरीर में जिस किसी भी हिस्से में है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। गैस्ट्रिक की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के छाती के जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट के जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी,
आप अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ा दीजिए। हाँ मेरे यीशु, इन प्रत्येक पर अपना हाथ रख दीजिए प्रभु, यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाए। हाँ मेरे यीशु, हर एक तरह के नाभि के दर्द, नाभि के सूजन, गांठें यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी नाभि के कड़ेपन है यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी पेट के घाव हैं यीशु नाम से वो सूखने पाए, पैनक्रियास के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए, स्टोन के दर्द, पथरी के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए, गॉल ब्लैडर्स के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए, लिवर के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए, किडनी के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए, और यूट्रस के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु अपना हाथ इन पर रख दीजिए, पाइल्स के सारे तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए, खूनी बवासीर के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी प्रभु पाइल्स के तकलीफों से गुजर रहे हैं प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए, यीशु नाम के द्वारा ये रोग दूर होने पाए, उल्टियों के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए, और प्रभु यीशु मसीह जो भी डाइजेशन में परेशानी है यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए, जो भी खाते पीते हैं प्रभु उनके पेट में ठहरने पाए, आपके लहू के द्वारा ये चंगे हो जाएं। हर एक तरह के जितने भी थायराइड के बुरे लक्षण है शरीर में यीशु नाम से वो दूर होने पाए, जितने भी थायराइड के तकलीफ हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए, इनके थायराइड के लेवल नॉर्मल होने पाए, शुगर के लेवल यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए, शुगर की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए, ब्लड प्रेशर के दुर्बलता बीमारी रोग यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी ब्लड से जुड़े हुए तकलीफ हैं यीशु आपके लहू के द्वारा ये चंगे हो जाए, यीशु नाम के द्वारा हेमोग्लोबिन की सारी कमी दूर होने पाए, जिनके ब्लड सेल बनते नहीं है यीशु नाम से वे भी चंगे हो जाए, सिकल सेल की बीमारी थैलेसीमिया के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाए। प्रभु आप अपने लहू के द्वारा इन्हें रिकवर कीजिए, ऐसी बीमारियां जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही हैं, लंबे समय से ट्रीटमेंट के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही, यीशु नाम से वो इस कड़ी से चंगे होने पाए, कैंसर की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए, अल्सर की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए, टीबी की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए, टीबी के बुरे लक्षण इसी कड़ी से दूर होने पाए, यीशु नाम के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाए, जितने भी एड्स के पेशेंट्स हैं एचआईवी पॉजिटिव यीशु नाम से चंगे हो जाएं, हेपेटाइटिस बी की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए, जिनके जॉन्डिस बढ़ गए हैं यीशु के नाम से वो इस कड़ी से चंगे होने पाए, मलेरिया और टाइफाइड की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के मलेरिया के बुरे लक्षण, टाइफाइड के बुरे लक्षण, जॉन्डिस के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए, यीशु आपके लहू के द्वारा ये स्वतंत्र हो जाए, मिर्गी के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए, लकवे के पेशेंट्स जितने भी पैरालिसिस पेशेंट्स हैं यीशु के नाम से रिकवर करने पाए, यीशु नाम से वे स्वतंत्र हो जाए, हड्डियों से जुड़े हुए जितने भी कमजोरी हैं, दर्द हैं, दुर्बलता है यीशु नाम से वो दूर होने पाए, मांसपेशियों के दर्द और दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए, नस के दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए, और बॉडी के तमाम स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के बॉडी के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए, स्किन से जुड़े हुए जितने भी रैशेस हैं, बीमारियां हैं, खुजलियां हैं, फोड़े और फुंसियां हैं, घाव हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए, हर एक तरह के जितने भी अस्थमा के अटैक्स हैं, दमा के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं, दमा की बीमारी को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक तरह के मौसम की गड़बड़ी को यीशु नाम से दूर करते हैं, वायरल इन्फेक्शंस को यीशु नाम से दूर करते हैं, तमाम जितने भी शरीर में प्रभु दर्द हैं आप चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु, इन्हें स्वतंत्र कीजिए,
कई बहनें हैं प्रभु संतान की आशीष मांग रही हैं, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, इनके जीवन में आपकी आशीष ठहरने पाए। यीशु नाम से ये स्वस्थ संतान की आशीष प्राप्त करें, यीशु नाम से ये कंसीव करने पाए, यीशु नाम से ये फलवंत हो जाए, यीशु नाम से इनके शरीर की सारी दुर्बलताएं दूर होने पाए, हार्मोनल डिसऑर्डर्स यीशु नाम से दूर होने पाए, ओवरीज की जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। पूरे 9 महीने संभालिए प्रभु और आशीषित कीजिए, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए। मेरे यीशु, इस घड़ी कई एक हैं जो अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। आप सुधी लीजिए प्रभु, एक एक की सुधी लीजिए। इस आराधना में जितने विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, उनके लिए आप काम कीजिए। जो भी दुख और तकलीफ लेकर आपके सम्मुख रखा है प्रभु, इस घड़ी कई एक ने अपने मन में बहुत सारे निवेदनों को रखा है, आप सबको छू लीजिए, सबकी सुधी लीजिए, रुके कामों को पूरा कराइए। प्रभु यीशु, जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है आप उनके लिए उपाय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जिनके आय के कोई साधन नहीं है आप उनके लिए उपाय कीजिए। जो लंबे समय से कर्जों में है प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दीजिए। जो कई लंबे समय से प्रभु अशांति में है, जिस भी कारण से, अपनी शांति दीजिए। यीशु मसीह नासरी, आपके लहू के आगे कोई भी शैतानिक युक्ति ठहर नहीं सकती है। आप प्रत्येक को चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, कामों में, परिश्रम में आशीष दीजिए। प्रभु अब तक जो असफल है उन्हें सफलता दीजिए। हमारे साथ कई जवान जुड़े हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए, सबको आशीषित कीजिए प्रभु। सबों को अच्छा हेल्थ दीजिए, बुजुर्गों को भी संभालिए, हड्डियों में बल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको सुरक्षा दीजिए, हानि से बचाइए। जो अब तक हानियों में थे प्रभु, उनके जीवन से हर हानि को दूर कीजिए, और जैसा भी आपसे प्रेम करते उससे बढ़कर उनके लिए काम कीजिए। जिनके लिए आपने काम किया प्रभु, उन्हें धन्यवाद ही मन दीजिए। और यीशु, जितने लोगों ने प्रभु आपके नाम का अंगीकार किया है, वे इस घड़ी से आपके संतान होने का अधिकार प्राप्त करने पाए। प्रभु उनके लिए मार्ग बनाइए कि वे आपकी संगति में बने रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस आराधना में जुड़ने वालों के लिए आपने काम किया, इस सेवा को प्रभु आपने आशीषित किया, और मांगते हैं प्रभु जहां तक आप चाहते हैं इस सेवा को पहुंचा दीजिए, जिन तक आप चाहते हैं इन वचनों को आप पहुंचा दीजिए। प्रभु हम दोनों को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसियाई परिवार को सुरक्षा दीजिए, भरपूरी दीजिए, और यहाँ हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं अपनी शांति, आनंद और भरपूरी को दीजिए। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे। आमेन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे, और आप लोग अपनी गवाहियां जरूर से लिख के डालिए। बार बार हम लोग बोल रहे हैं, जो काम यहाँ से होते हैं, इस जगह में जुड़ने से, जो आपके जीवन में काम हुए, आपने फोन से प्रार्थना कराया आपके जीवन में काम हुए, चाहे आप ऑनलाइन सभा में जुड़े, आपके जीवन में जो भी काम हुए, गवाहियां लिखकर जरूर से डालिए। गवाहियां कब लिखनी है? जब ये सभा समाप्त हो जाती है, फिर से खोलिए रिकॉर्डिंग सेशन में अपनी गवाही डालिए, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत फिर से काम करे। और दूसरी बात है, हमारी ये सभा जो है हर एक मंगलवार, रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से। और आप लोग जो चाहते हैं आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए, तो आप लोग हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन फोन करने से पहले 4 लाइव सभा आपको देखना जरूरी है। 4 लाइव सभा आप देखिए, उसके बाद आप हमें फोन कीजिए। फोन करने का समय मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपके सम्मुख, दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है, दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक है। आप हमें फोन कर सकते हैं, और 4 लाइव सभा देखने के बाद आप जरूर से फोन कर सकते हैं। आप अपने निवेदन हमारे व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यहीं पर मिल जाएगा।
दूसरी चीज हमारा YouTube में रोहिणी थापा के नाम से चैनल है, जिसमें हम लोगों ने कुछ गीत डाले हैं और आगे भी हम लोग कुछ गीत डालने वाले हैं। तो अभी सिर्फ गीत ही डाले हम लोगों ने, आप उसको जरूर से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे चैनल हमारे नाम से भी लोगों ने बना दिए, तो असर देखिए उसमें हम लोगों ने 5 या 6 गीत ऐसे डाले हैं, आप उस उन गीतों को भी सुन सकते हैं। और गवाहियां यही है, गीतों को सुनते सुनते लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो इन सारी बातों से हम सबों को आशीष मिले। फिर से हम लोग संडे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।